हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर घुटने और कंधे की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपके घुटने में कोई चोट लगी है और आप परेशान हैं कि डॉक्टर को दिखाएं, कौन सा टेस्ट कराएं, कैसे आगे जांच होगी, क्या कोई सीरियस बात नहीं है? अगर हाँ तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि घुटने की चोट में आप क्या तो करें और क्या ना करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों, मेरी स्पेशलिटी है नी इंजरी और शोल्डर इंजरी। नी इंजरी या घुटना जो होता है दोस्तों, वो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। घुटना हमें सपोर्ट करता है चलने में, नीचे बैठने में, रनिंग करने में, स्पोर्ट्स खेलने में। घुटने की चोट के जो पेशेंट मेरे पास ज़्यादातर आते हैं दोस्तों, वो तीन या चार वजहों से आते हैं। या तो स्पोर्ट्स खेलते वक्त ये चोट लग सकती है, जैसे कि आप कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं तो आपको चोट लग सकती है। कोई आर्मी का कोई फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लॉन्ग जंप कर रहे हैं, हाई जंप कर रहे हैं, तो ये चोट लग सकती है। या कोई बाइक एक्सीडेंट से भी घुटने की चोट लग जाती है। घुटने की चोट लगने के बाद दोस्तों, अचानक पॉप साउंड आता है या टक की आवाज़ आती है और उसके बाद घुटने में बहुत तेज़ सूजन आ जाती है। ज़्यादातर मैं क्या देखता हूँ दोस्तों, कि लोग जाते हैं और आसपास में कोई बंदा ढूंढते हैं और वो पैर पे मालिश करना स्टार्ट कर देता है या फिर घुटने को हिला के देखता है कि कोई चोट तो नहीं लगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर कोई लिगामेंट की या हड्डी की चोट है और आप उसको मूव करते हैं तो उससे लिगामेंट की चोट बढ़ सकती है। काफ़ी सारे लोग इस पर मालिश करना स्टार्ट कर देते हैं, मालिश से भी जो चोट है बढ़ सकती है और घुटना जाम हो सकता है। ऐसे में ये करें कि आपके आसपास अगर कोई न्यूज़पेपर या कोई मैगज़ीन है तो उससे घुटने को बांध दें, या अगर नी ब्रेस है तो उससे सपोर्ट दे दें और आसपास जाकर सबसे पहले घुटने का एक डिजिटल एक्सरे करवाएं। ध्यान रखें दोस्तों, सिंपल एक्सरे ना करवाएं, डिजिटल एक्सरे करवाएं, जिसे काफ़ी जगह रंगीन एक्सरे के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल एक्सरे में हेयरलाइन फ्रैक्चर्स का भी पता चल जाता है। अगर आपके एक्सरे पर ये पता चलता है कि इसमें कोई फ्रैक्चर है तो उसके लिए कच्चा प्लास्टर लगवा लें और डॉक्टर के पास जाकर उसका जल्दी से जल्दी समुचित इलाज लें। कई बार क्या होता है कि जब एक्सरे कराया जाता है तो उस पर कुछ भी नहीं दिखता, यानी एक्सरे नॉर्मल आता है। तो ऐसे में आप अपने पैर की आइसिंग कर सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं और पैर पे एक नी ब्रेस या गर्म पट्टी बांध के रख सकते हैं। नी ब्रेस दोस्तों एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि पैर को सपोर्ट देता है। ध्यान रखें दोस्तों कि अगर घुटने में कोई दर्द है तो किसी भी प्रकार से पैर पे वजन ना दें, क्योंकि अगर आप पैर पे वजन देते हैं तो अंदरूनी स्ट्रक्चर्स जैसे लिगामेंट या मेनिस्कस को डैमेज हो सकता है। 5 से 7 दिन आप दवाई लेके देखें और उसके बाद देखें कि आपके पैर की कंडीशन क्या है। अगर आपको लग रहा है कि दर्द बढ़ता जा रहा है, या फिर आप जब चल रहे हैं तो पैर बैलेंस नहीं ले रहा, या आपको गिरने का डर लग रहा है दोस्तों, तो ऐसा लिगामेंट्स की चोट की वजह से हो सकता है। लिगामेंट की सामान्यतः जो चोटें होती है दोस्तों, वो स्पोर्ट्स में लग सकती हैं या एक्सीडेंट में लग सकती है। ऐसे में एक्सरे नॉर्मल होता है, लेकिन पैर जो होता है वो बैलेंस लेने से मना करता है। लिगामेंट बेसिकली एक तरह के रस्सी नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऊपर की हड्डी फीमर को नीचे की हड्डी टीबिया से जोड़ते हैं। तो ऐसे में आपको 3 टेस्ला MRI जाके करवानी चाहिए। 3 टेस्ला MRI दोस्तों आपको पूरा बता देगी कि आपके लिगामेंट में कंप्लीट टीयर है या इनकम्प्लीट टीयर है, मेनिस्कस में कोई टीयर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर लिगामेंट की चोट आपके MRI पर आती है तो आपको कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर फ्रैक्चर नहीं है और सिर्फ लिगामेंट की चोट है तो नी ब्रेस लगा के आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं, लेकिन सीढ़ी उतरना, आलती पालती मारना, उकड़ू बैठना, ऐसे काम ना करें, क्योंकि ऐसे से लिगामेंट की चोट बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके उतना ही अपने आसपास में स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। काफ़ी सारे लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो लिगामेंट चोट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते और प्लास्टर लगा देते हैं। अगर आपने लिगामेंट चोट में दोस्तों प्लास्टर लगवा लिया तो इससे आपका घुटना जाम हो सकता है। कई लोग तो उससे भी बुरा करते हैं और पहलवानों के पास जाके चूरण चटनी मालिश में लग जाते हैं, उससे पूरा का पूरा घुटना ही खराब हो जाता है। दोस्तों, लिगामेंट की चोट में अब साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और दूरबीन की सहायता से इसका इलाज संभव है। इन चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना है कि घुटने पे नी ब्रेस लगा के रखना है, जैसे जैसे डॉक्टर बताए वैसे वैसे थोड़ा बहुत पैर मोड़ना है। किसी भी हालत में अगर आपके फ्रैक्चर नहीं है और सिर्फ लिगामेंट की चोट है तो प्लास्टर मत लगवाइए। अगर आपने प्लास्टर लगवा लिया तो आपका घुटना जाम हो जाएगा, अगर आपने कोई मालिश की तो उससे भी घुटना जाम हो सकता है। एक बार आपने 3 टेस्ला की MRI करा दी तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको आगे के एडवाइस दे दूंगा। तो मेरे पूरे वीडियो को मैं एक बार दोबारा संक्षिप्त में आपको इम्पोर्टेंट बात हाइलाइट्स कर दूं कि जैसे ही चोट लगे किसी तरह की मालिश या मूवमेंट से बचें, बिना कोई पैर पे वजन दिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके डिजिटल एक्सरे करवाएं। अगर डिजिटल एक्सरे नॉर्मल है तो कुछ दिनों तक पेन किलर और बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर कोई चीज़ अजीब लग रही है तो तुरंत जाकर MRI कराएं। दोस्तों, एक और इमरजेंसी बात बता दूं कि जैसे ही घुटने की चोट लगती है उसके बाद अपने पंजों को हिलाकर देखें कि आप टो मूवमेंट्स कर पा रहे हैं या नहीं।
डॉक्टर को दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार नी डिसलोकेशन से पैर की आर्टरी भी फट जाती है या कॉमन पेरोनियल नर्व को चोट लग जाती है। अगर आर्टरी या नर्व को चोट लगती है दोस्तों, तो वो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है जिसका फैसला 6 से 7 घंटे में करना होता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की जो घुटने की चोट है उसको आसानी तो बिल्कुल ना समझें, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाएँ, किसी प्रकार के देसी इलाज चूर्ण चटनी से बचें। एक बार 3 टेस्ला MRI हो जाती है तो मेरे को नीचे लिखे गए नंबरों पर आप WhatsApp करें, जो भी हेल्प मैं आपकी कर सकूंगा जरूर करूंगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिए, जिस पर कि घुटने के बाद मैं कंधे की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। कंधे, घुटने और कूल्हे के संबंधित सभी बीमारियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाएँ।